हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के वीकली व्यू के बारे में कि जो नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाला है। और जैसे कि आप टाइटल रीड कर सकते हो, इन अ प्रीवियस वीडियो आई सेड दैट इफ क्रूड ऑयल इज ब्रेक 36 लेवल विच इज अ फाइनल सपोर्ट प्रोवाइडेड by me in a previous video, then you can see very sharp correction. Okay? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि अगर क्रूड ऑयल जो है वो 36 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उसका जो लो है वो भी 27.34 था। ठीक है, और उसका जो लिंक है, द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो इज प्रोवाइडिंग बाय मी इन अ डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल्सो ओपन दैट वीडियो। जो लिंक है वो भी आप ओपन करके वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वीक सपोर्ट एंड टारगेट। हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या उसके टारगेट रहेंगे। सो नंबर वन सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल फॉर नेक्स्ट वीक इज नाउ 30.60 लेवल। फ्रेंड्स, इट्स एन अ वेरी इंपॉर्टेंट एट अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए 30.60 का जो लेवल है क्रूड ऑयल के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल इज अ 27.25 लेवल। इट्स अ फाइनल फॉर क्रूड ऑयल एट क्लोजिंग बेसिस। इफ क्रूड ऑयलिंग क्लोज बिलो दिस लेवल 27.25, देन वी कैन सी वेरी शार्प करेक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग सेंटेंस, इफ क्रूड ऑयल इज ब्रेक एंड सस्टेन बिलो 27.25 लेवल, देन वी कैन सी वेरी शार्प करेक्शन अप टू 25 to 23.50। ओके, अगर क्रूड ऑयल जो है वो 27.25 का जो हमारा फाइनल सपोर्ट है वो ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर जाने की कोशिश करता है, अगर इंट्राडे में भी जाए या क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जाए, तो फिर आपको बहुत ही शार्प करेक्शन अप टू 25 to 23.50 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल। सो नंबर वन टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल एज यू सी इन द स्क्रीन इज 33 लेवल। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट एट क्लोजिंग बेसिस एज वेल एज इंट्राडे। इंट्राडे में भी अगर जाए ऊपर तो ठीक है, बट अगर क्लोजिंग देता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इफ क्रूड ऑयल इज क्लोज्ड अबाउ 33 लेवल, देन वी कैन सी 36.50 लेवल। ओके, एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल इज 42 लेवल। ओके, इट्स अ फाइनल रेंज फॉर द क्रूड ऑयल एट अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, इफ क्रूड ऑयल इज ट्राइंग टू क्लोज अबाउ दिस रेंज, देन वी कैन सी वेरी बिग और शार्प मूवमेंट इन अपर डायरेक्शन। अगर क्रूड ऑयल जो है वो 40-42 का जो लेवल है वो अगर क्लोज होता है उसके ऊपर, तो हमें बहुत ही अच्छा जो है वो एक रैली देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है 27.25 का फाइनल जो सपोर्ट है वो, इफ यू आर इन अ लॉन्ग पोजिशन 27.25 इट्स अ फाइनल सपोर्ट। आफ्टर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट यू कैन सी वेरी शार्प करेक्शन, आपको एक बहुत ही शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ऊपर की डायरेक्शन में मैंने बताया 33 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आफ्टर दैट यू कैन सी 36 to 40 and 42 लेवल इन द क्रूड ऑयल। ओके, यू कैन ऑल्सो ओपन अ लिंक फॉर द प्रीवियस वीडियो इन अ डिस्क्रिप्शन,
In that video, we are discuss about the after the breaking of 36 level, we can see very sharp correction जो हमने discuss किया था. Okay? तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना जिससे और भी दोस्तों को हेल्प मिल सके. ठीक है. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.